नए वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यह सूरजगढ़ के राजा अजीत सिंह की हवेली है। सूरजगढ़ के लोग राजा अजीत सिंह को भगवान की तरह पूछते हैं, क्योंकि राजा साहब के उसूलों और इंसाफ का तराजू कभी भी डगमगाया नहीं। राजा साहब का एक छोटा सा बेटा भी है, विक्रमजीत सिंह। विक्रमजीत सिंह को राजा साहब दिलो जान से प्यार करते हैं। राजा साहब अपने बेटे को एक मर्द बनाना चाहते हैं अपनी तरह। धोड़ा, अब तेरी धोड़ा देख। हम जीत गए शमशेर सिंह जी, हम जीत गए। शाबाश बेटे, बोलो विक्रमजीत सिंह की जय। विक्रमजीत सिंह की जय। शमशेर सिंह, हमारा बेटा हमसे जीत गया, दूध पिलाओ इसे। लो बेटा दूध पियो, कल भी पिताजी को हराना तुमने। सूरजगढ़ के राज में ना तो लोग घरों को ताले लगाते हैं, ना ही दरवाजे बंद रखते हैं, फिर भी तुमने चोरी करने की जुर्रत दिखाई। तुम्हारे इस जुर्म के लिए तुम्हें 25 कोड़े लगाने की सजा सुनाई जाती है। नहीं नहीं राजा साहब, ले जाओ इसे। नहीं राजा साहब, नहीं राजा साहब, नहीं राजा साहब, नहीं 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 राजा साहब, मुझे माफ कर दीजिए राजा साहब। नहीं राजा साहब, नहीं नहीं राजा साहब। शाबाश बेटे, लगा ले जोर। बेटा आज आप हार गए। बोलो राजा अजीत सिंह की जय। राजा अजीत सिंह की जय। क्या कर रहे हो बेटा? मुन्ना, ये क्या बदतमीजी है? मैं हारा नहीं था, आपने मुझे चालाकी से हरा था पिताजी। हमारे लाड प्यार ने तुम्हें हद से ज्यादा बिगाड़ दिया है मुन्ना। तुम्हारा मनोबल और आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए हम तुमसे हार जाया करते थे, लेकिन आज हमें पता चला कि हमारा मुन्ना सब दाव पे सीख गया है, इसलिए थोड़ी सी ताकत लगा दी। इसलिए नहीं कि तुम्हारी हार से हमें को गौरव मिलेगा, बल्कि इसलिए कि इस हार को जीत में बदलने के लिए तुम अपने आप में और ताकत पैदा करो और खुराक खाया करो। शमशेर सिंह, ले जाओ इसे दूध पिलाओ। चलो आपकी दूध की भी ऐसी की तैसी। दीजिए पिताजी, हमसे गलती हो गई।
बरसों पहले एक बार ऐसी ही आंधी आई थी जिसने सूरजगढ़ के आसमान को लाल कर दिया था और हमारे इंसाफ को इम्तिहान में डाल दिया था। लेकिन आज इससे पहले कि आसमान रंग बदले, कसम शंकर भगवान की, जालिम के जुल्म का हिसाब किताब कर दिया जाएगा। राजा साहब, राजा साहब, राजा साहब, कोई बयान मत देना, किसी गवाह को पेश मत करना, सिर्फ उस जालिम का नाम बता दो जिसका जुल्म हमारी आंखें आसमान पर पहले ही देख चुकी हैं। बैठ जाइए राजा साहब, बैठ जाइए। ऐसा ना हो मुजरिम का नाम सुनते ही आपके पैर कांप उठे। ये इंसाफ की कुर्सी और पदवी का हकदार वही हो सकता है जो रिश्ते नातों की हदों को लांघकर अपने उसूलों, अपने इंसाफ पर कायम रहता है। भगवान शंकर की कसम, अगर मुजरिम मेरा इकलौता बेटा विक्रम भी हुआ तो वो भी इंसाफ के हाथों बच नहीं सकेगा। तो कीजिए इंसाफ राजा साहब, मुजरिम उसी आदमी का छोटा भाई है जिसे आप अपना बाया हाथ कहते हैं। शमशेर का भाई दलेर सिंह, मुजरिम का नाम लेने से चुप क्यों हो गए हैं राजा साहब? अरे इंसाफ कीजिए, फैसला सुनाइए। जुर्म सरेआम हुआ है तो फैसला भी सरेआम होगा। मजा आ गया राजा साहब, मेरी मौत का परवाना लेकर टक रहे होंगे। और वो लौंडिया का बाप, लौंडिया का बाप अपनी बेटी की चिता के अंगारों में सिर्फ पटक पटक कर रो रहा होगा। और ये दलेर सिंह, ये दलेर सिंह आजाद शिकारी की तरह एक नया शिकार ढूंढने निकल पड़ेगा। ठीक कहते हो दिलेर, यहाँ राजा साहब तो क्या कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता, क्योंकि यह जगह गांव से काफी दूर है। पास भी होती तो भी कुछ नहीं होता, राजा साहब का कानून मेरे जैसे मुजरिम का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तेरे मुजरिम की भी ऐसी की तैसी, हमारी चौखट से तो मौत भी लौट जाती है विक्रमजीत, तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? इसलिए कि हिम्मत और मैं दोनों एक ही दिन पैदा हुए थे बच्चे, समझे? Thank you.
आज तक राजा साहब के इंसाफ से कोई नहीं भाग पाया और ना तू भाग पाएगा। चल आज तुझे राजा साहब के पैरों में झुकना ही पड़ेगा। राजा अजीत सिंह का बेटा जिंदा हो और मुजरिम फरार हो जाए। बाय, इससे पहले कि तुम्हारा भाई अपनी सफाई में मुंह खोले, इसे कहो मुंह बंद और आंखें खोलकर एक बार आसमान का रंग जरूर देख ले। मुझे माफ कर दी राजा साहब, मुझसे भूल हो गई और ऐसी भूल जिसकी सजा आपके इंसाफ में सिर्फ मौत है। मेरी जिंदगी मुझे मुझे बख्श दीजिए राजा साहब, मैं अपनी जिंदगी की भीख मांगता हूँ राजा साहब, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। दलेर, आसमान का रंग हम साफ देखना चाहते हैं, इससे पहले कि उसे गंदा करने के लिए कोई आंधी कोई तूफान उठे, उसे हम अपने इंसाफ से रोक लेंगे। इस वक्त इंसाफ यही कहता है कि तुम्हें घोड़े की टापों के नीचे रौंद कर मौत की नींद सुला दिया जाए। नहीं राजा साहब, नहीं, नहीं राजा साहब, नहीं, मेरे भाई को माफ कर दीजिए। इतने संग दिल ना बनिए, रहम कीजिए, भगवान के लिए मेरे भाई को माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। विक्रमजीत, हमारे फैसले पर अमल किया जाए। ये सोचकर आंसू पोछ डाल पाएं कि अगर किसी बाजू में जहर फैल जाए तो उसे काटना ही पड़ता है। वो मेरा इकलौता भाई था राजा साहब। बाएं, अगर वो हमारा इकलौता बेटा भी होता तो उसके लिए भी हम यही सजा सुनाते। बाएं, जिन आंखों में तुमने हमेशा इंसाफ देखा है, आज उन आंखों में आंसू देखकर तुम्हें यकीन हो जाना चाहिए कि तुम्हारे भाई की मौत का दुख हमें भी है, लेकिन साथ ही अफसोस भी है जिन पर भरोसा करके हमने अपना रक्षक बनाया, वही बख्शक साबित हुआ। जो हाथ इज्जत बचाने के लिए तैनात किए गए थे, वही हाथ इज्जत लूटने के लिए आगे बढ़ने लगे। खैर, अब हम चलते हैं। हाथ तो अब तुम्हारी तरफ बढ़ेगा राजा साहब, तुम्हारा पासा पलटने के ख्वाब देखते मुदते हो गई, लेकिन भाई के कत्ल ने जैसे आग में घी का काम किया है। देख लेना इंसाफ के पुजारी, अपनी पूजा को सिद्ध करने के लिए आज तो तूने मेरे भाई की बलि चढ़ा दी, लेकिन वो दिन दूर नहीं जब तेरा इंसाफ तेरे अपने बेटे की भी बलि मांगेगा। राम राम। अरे पिताजी नहीं आए बद्री काका? अरे बेटे आज सोमवार है। समझा, जरूर उनका रुद्रपाठ चल रहा होगा। तुम्हें याद होगा ना बद्री काका, जब मैं छोटा सा था तो एक बार अचानक मेरे सर पर चोट लगी थी, खून रुकने का नाम नहीं ले रहा था। पिताजी पिताजी चिल्लाता हुआ मैं पूजा घर में जाकर चीक चीक कर रोने लगा, मगर मगर मालिक ने आंखें तक नहीं खोली। बेटे चाहे सारा संसार इधर से उधर हो जाए, जब तक मालिक का रुद्र पाठ पूरा नहीं हो जाता, मालिक अपनी जगह से हिलते तक नहीं। हमारी ही बातें हो रही थी क्या? जी पिताजी, बद्री काका कह रहे थे कि आप रुद्र पाठ के बीच में से कभी उठते नहीं है। हाँ बेटा, वैसे मैं कोशिश यही करता हूँ कि जो भी काम शुरू करूँ उसे खत्म करके छोड़ूं। अब देखो ना, ये नाश्ता पड़ा है, इसे खाना शुरू करूंगा तो खत्म करके ही दम लूंगा। अरे बेटे ये क्या, दूध का गिलास आधा ही छोड़ दिया, चलो उठाओ खत्म करो इसे, उठाओ उठाओ। हाँ पिताजी ये भी खूब है, खुद तो कुछ खा नहीं रहे आप, बस मेरी चिंता है आपको। बद्री जी मालिक, हमारा बेटा ठीक कह रहा है, 25 साल हो गए इसकी चिंता करते करते, हम थक गए। भाई आप तो इस घर में बहू आ जाए जो हमारा भार हल्का कर दे। वैसे भी हमारे कान
चूड़ियों और पायलों की झनकार सुनने के लिए तरस रहे हैं। एक अरसा हो गया। पिताजी बसंत पंचमी में कितने दिन बाकी हैं? बसंत पंचमी में तो अभी एक हफ्ता बाकी है। हाँ, इस बार देखना है हमारे बेटे विक्रम के सामने कौन खड़ा होता है। अरे ओ मेरी जागीर की खूबसूरत और मीठी लड़की, कब तेरा गुस्सा ठंडा होगा और कब हमारी जागीर में वापस आएगी है? जब इस जागीर को कोई तुझसे भी ज्यादा बहादुर मिलेगा ना, तब। अरे ओ सोच रही है, देखेगी मेरी बहादुरी। पहली बात तो ये कि मेरा नाम चिरैया विरैया नहीं, सोना है सोना। और दूसरी बात, तू अपने बहादुरी का ये जो ढोल पीटा करता है ना, वो बंद कर दे, क्योंकि एक ना एक दिन तेरा ये गुरूर जरूर टूटने वाला है। जागीर की आखिरी हद पर बैठी आखिर कब तक ये झूठे ख्वाब देखती रहेगी मुनिया? जब तक मेरा ख्वाब हकीकत में नहीं बदलता तब तक। फिर तो मुझे तुमसे हमदर्दी है सोनिए। अरे पिछले 5 साल में कोई भी माइका लाल मुझसे मैदान नहीं लड़ पाया, तो अब कौन सा कुदरत का करिश्मा हो जाएगा? कुछ भी हो, लेकिन मैं उस दिन का इंतजार जरूर करूंगी, चाहे वो दिन कयामत का दिन भी क्यों ना हो। तब तक तो तेरे बाल सफेद हो जाएंगे। वो तो होनी है एक न एक दिन, चाहे आगे या पीछे। अरे पगली, ये जवानी बड़ी अनमोल चीज है, इसे यूं बर्बाद मत कर। देख इस दिल के दरवाजे कब से तेरे लिए खोल रखे। आ, इस दिल की भी रानी बन जा और इस जागीर की भी रानी बन जा। जिस जागीर ने मेरे बाप को बिना इलाज एड़िया घिस घिस कर मर जाने दिया, उस जागीर की रानी बनना तो दूर, मैं उस जागीर में झांकना तक पसंद नहीं करती। वो इसलिए कि तुम्हारा बाप महा झूठा था, उसने लड़ाई के मैदान में मात खाकर भी अपनी मात नहीं मानी, और हमारी जागीर में झूठों और बेईमानों के साथ हमदर्दी जताने का कोई रिवाज नहीं। अगर यही बात है तो एक झूठे और बेईमान की बेटी के पीछे क्यों हाथ धोकर पड़ा है बोल? कमल तो कीचड़ में ही खिलता है सोना रानी, और इसे तोड़ने वाला वही सूरमा कहलाता है जो बिना हाथ पे कीचड़ लगे ही इसे अपने दिल से लगा ले। तो मेरी भी सुन ले विक्रम, इस बसंत पंचमी के मुकाबले में जो भी कोई जीतेगा ये कमल उसी के सीने से लगेगा। अगर तू जीता तो सोना तेरी, लेकिन अगर कोई और जीता तो सोना उस गबरू की होगी। अरे तेरे गबरू की भी ऐसी की तैसी। तेरे गबरू की भी तो ऐसी की तैसी। ऐसी ही और सदाबहार फिल्में और गाने देखने के लिए आज ही डाउनलोड करें शिमारू में और सब्सक्राइब करें क्लासिक पैक।